बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सौ नेक काम कर लें, कोई आपको जन्नत में जाने की खुशखबरी नहीं सुनाएगा, लेकिन एक गलत काम करने पर तकरीबन सब आपको जहन्नम के दरवाजे तक छोड़कर आएंगे। जब दिल दुखते हैं तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाती हैं। जो तलाश करता है वो पा लेता है। तालिब चाहे चुस्त हो या सुस्त हो, अगर उसमें तालिब सादिक है तो वो उसे ज़रूर पा लेगा। अगर बाप के बस में होता तो बाप खुद को बेचकर भी बेटी का नसीब खरीद ले आता। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झील लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अगर आप खुद को मादी ज़िंदगी की जेल से आज़ाद कराना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने नफ्स के बारे में झूठे एहसास को ख़त्म कर दें। किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज्जत नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अक्लमंद आदमी की ये निशानी है कि उसके पास मिशेल होगी और वो काफले का रहनुमा और पेशवा होगा। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अच्छे लोग अपनी नेकी को और बुरे लोग दूसरों की नेकी को भूल जाते हैं। सूफी लोग इंतहाई शरीफुल नफ्स होते हैं। उनकी निशानी ये है कि उनकी निगाहें हमेशा ज़मीन की जानिब होंगी। कभी बात करते हुए दूसरे की आँख में आँख डालकर बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। कोई दूसरा हमारा दिल नहीं तोड़ता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं। एक ऐसी जगह रहकर जहां हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहां लगे आपकी जगह नहीं, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो। कुवात-ए-बा में बेपनाह इजाफा और कमज़ोर बदन में ताकत पैदा करने के लिए खालिस खजूर 10 से 15 अदद, केले 3 से 5 अदद, अखरोट 7 से 10 अदद, खरबूज के बीज 1/2 चम्मच, ये तमाम चीज़ें दूध में डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लें। आपके कमज़ोर बदन में ताकत आएगी और आपकी कुव्वत-ए-बा में बेपनाह इजाफा होगा। आपका चेहरा हशाश बशाश नज़र आएगा। बेगाना कौन, तेरा खाकी जिस्म है जिसके लिए तू इतना फिक्रमंद है।